मदद मदद जिंदा बना लो उसको बनाओ इस पार्टी के हमारे सभी सम्मानित नेता श्री नकुल दुबे पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश श्री प्रदीप गर्ग जी श्री राजू गौतम जी मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री अमरेंद्र बहादुर जी श्री गुलाब जी यहाँ पर अभी हम लोगों के साथ में बहुत ही जुझाऊ नेता लोगों ने भी अपनी अपनी बातें आपके सामने पहले भी रखी हमारे साथ में भी जुड़े विनोद त्रिपाठी जी साथ में आए हुए अनेकों बहुत लंबी लिस्ट है सभी का नाम न लेकर के सभी सम्मानित हमारे साथी और खास तौर से यहाँ पर उपस्थित जो ये हम लोगों का प्रबुद्ध गोष्ठी है उसमें आए हुए प्रबुद्ध वर्ग के लोग और खास तौर से ब्राह्मण समाज के यहाँ पर आए हुए जो लोग मौजूद हैं मैं अपनी बात शुरू करने के पहले भगवान श्री परशुराम जी के चरणों पर अपना शीश नवाता हूँ और भारत के संविधान के रचयिता जिनकी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज हम लोग इस देश में इस शासन जो कुशासन है उसमें सांस लेने के सक्षमता रख रहे हैं अदालतों में जा पा रहे हैं कानून का दरवाजा खटखटा पाने की ताकत मिल रही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर्षी काशीराम जी को नमन करता हूँ भाइयों हमने ये पूरा कार्यक्रम जो प्रभु समाज का है अयोध्या से शुरू करके और उसके बाद पूरे प्रदेश में ले जाने का संकल्प लिया है हम लोग अयोध्या से निकल करके अम्बेडकर नगर होते हुए प्रयागराज होते हुए आज कौशाम्बी के जिले में आए हैं कौशाम्बी जो है उसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा स्थान है जहां पर के ब्राह्मण समाज के लोग खास तौर से पूरे प्रदेश में उनको ये माना जाता है कि निडर है और ये सही माने में भगवान श्री परशुराम के अनुयायी भी हैं और उनके वंशज भी ये डरते दबते नहीं है इसका सीधा एक उदाहरण है आपके सामने पूरे कौशाम्बी जिले के लोगों ने क्या प्रदेश के लोगों ने देखा कि कौशाम्बी के निवासी कौशाम्बी में जिनका जन्म हुआ रहने वाले श्री आपको मालूम है कि ब्रजेश मिश्रा जी वही चैनल के हेड और कौशाम्बी के कौशाम्बी की उनके अंदर जो रक्त बह रहा है उसकी वजह से वो निडर है किसी से डरते नहीं है और इसी वजह से वो इस प्रदेश में जो हो रहा था जिस तरह का शासन चल रहा था जिस तरह की बद इंतजामी थी उसको लेकर के उन्होंने खुल करके अपने चैनल में दिखाने का काम किया तो उन्होंने क्या किया कि उनके यहाँ भेंट डाल दी उनके परिवार वालों को भी नहीं छोड़ा उनके चैनल को नहीं छोड़ा साथ साथ में न्यूज़पेपर जो पूरे देश में बहुत ही हर जिले में और हर प्रदेश में जिसका कि अखबार चलता है और लोग पढ़ते हैं उन्होंने भी सही चीजें दिखाने का काम किया तो इनके यहां भी हमला कर दिया उनके यहां भी रेड कर दिया और रेड करके दफ्तर तक में रेड कर दिया जहां चैनल चलता वहां रेड कर दी लेकिन आप डरा सकते हैं कुछ लोगों को डरा सकते हैं धमका सकते हैं लेकिन दबा नहीं सकते जिन लोगों ने जो चौथे स्तंभ है
चौथा स्तंभ जो है, लगभग हर चैनल, लगभग हर न्यूज चैनल, हर न्यूज अखबार तो आज ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे गर्व है कि न्यूज चैनल के लोगों ने इनके दबाव में ना आकर के अब उस दबाव से बाहर निकल करके और इनका असली चेहरा अब धीरे धीरे उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति के सामने इनकी असलियत लाने का काम सभी लोगों ने शुरू कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि इसी निष्पक्षता के साथ में और निडर भाव से ये लोग आगे भी इनका असली चेहरा उजागर करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से 2022 में इस शासन को जाना पड़ेगा, इस सरकार को जाना पड़ेगा। और अब की बात, जिसने सरकार सही ढंग से चला करके उत्तर प्रदेश में दिखाई दी, बहन मायावती जी, कानून द्वारा कानून का राज चलाया था, उनको वापस लाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो ललक इस समय मची हुई है, हम जो पिछले चार दिन से देख रहे हैं और जो अंदर से सबके चुभन हो रही है, उस चुभन का जवाब देने के लिए आज उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति, चाहे वो जिस समाज का हो, उनको छोड़ दीजिए, जो लोग इनके साथ में मिल करके और दबाने का काम कर रहे हैं, सोचते हैं कि चाहे वो दलित समाज हो और ब्राह्मण समाज हो, उसको दबा देंगे तो ये वो भूल जाएं। अब समय आ गया है कि सरकार को खाक फेंकने का वक्त आ गया है और निश्चित रूप से अब की बात बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनकर के बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी और इनको सही जगह भेजने का काम भी करेंगी। पूरे प्रदेश में जिस तरह से ब्राह्मण समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह से दलित समाज के भाई भाई बहनों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से दलित समाज के की बेटियों का रेप करके और किस तरीके से हाथरस में उसको आधी रात में जलाने का काम किया हुआ, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और जलवाने का काम किसने किया लखनऊ में बैठ करके, शायद ही रात भर बैठे होंगे अपने दफ्तर में कभी मुख्यमंत्री जी, लेकिन वो मिनट टू मिनट खबर ले रहे थे कि हाथरस में क्या हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए थे कि देख लीजिए, सुबह ना होने पाए, भोर ना होने पाए, और उस लड़की को जो उसका शरीर आया था अस्पताल से लौट करके, उसको उनके माता पिता को न दे दीजिएगा और उनका वहां पर आप स्वयं उनका, उनके माता पिता को ना दे करके आप खुद ही उनका, उनको जलाने का काम करें। पूरे देश, पूरे विश्व में देखा, शर्म से हम लोगों का सर झुक गया जब देखा कि माता पिता बिलख रहे हैं, परिवार वाले चीख रहे हैं कि हमको अंतिम दर्शन तो कर लेने दो, लेकिन नहीं, आदेश तो ऊपर से था। जिला मजिस्ट्रेट डंडे की चोट में उससे पीएसी लगा दी, सारी फोर्सेस जितनी उत्तर प्रदेश की हो सकती लगवा करके उनको कैद कर दिया कमरे के अंदर और वहां मिट्टी का तेल डाल करके रात के 2-2:30 बजे उसको जलाने का काम किया। इस तरह का प्रदेश की सरकार कहां पर कानून, कहां पर ये फोर्स लगाने का काम करते हैं? ऐसी जगहों पर जहां इस्तेमाल करना चाहिए वहां नहीं करते। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, हर दो घंटे में एक महिला का रेप हो रहा है। और ये तो जो रिपोर्ट है क्रिमिनल ब्यूरो की, वो उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होता है। ऐसी कानून व्यवस्था जहां पर ब्राह्मण समाज के लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है, ये पूछ करके कि तुम किस समाज के हो, ब्राह्मण समाज के हो, तो गाड़ी रोकी जाती है। लखनऊ में दिन लोगों ने देखा, दिन के समय किस तरह से रोक करके तिवारी परिवार का नौजवान व्यक्ति जो नौकरी करता था
रोका, उससे पूछा कि क्या नाम है, उसे नाम बताया, गाड़ी से बाहर, गाड़ी में बैठे बैठे गोली मार। किस तरीके से प्रतापगढ़ में पांच पांच ब्राह्मण समाज के लोगों को मारा ही नहीं, उनके घर पे आग लगा कर की झोपड़ियां थी छोटी छोटी, मैं तो स्वयं गया था वहां पर उनके परिवार के लोगों से मिले और उसे जलाने का काम कर दिया। और मंत्री, वहां के मंत्री कबीना मंत्री जो उस क्षेत्र के थे इस सरकार में, वो अपनी पीठ ठोक रहे थे, कहते बहुत अच्छा काम हुआ, इनको तो ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। और इसी तरीके से एक दो नहीं, चाहे झांसी हो, चाहे प्रतापगढ़ में हो, चाहे रायबरेली में हो, चाहे कानपुर में हो, चाहे कानपुर देहात में हो, कहीं पर भी हो, गिन गिन करके खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों को, ठीक उसी प्रकार से जैसे दलित समाज को टारगेट करते हैं उसी तरह से ब्राह्मण समाज को करते हैं। और ये शासन में बैठ करके सामंतवादी ताकतें जो है, और उसके बाद वहां पर उनको मारने का ही, प्रताड़ना करने का, घर तोड़ देने का, शूट आउट कर देने का, गाड़ी फिसलती है, ले जा रहे होते हैं और गाड़ी फिसलती है, गाड़ी फिसल करके बाहर निकालते हैं और निकाल करके कहते हैं कि वो भाग रहे थे, हमने गोली मार दी। उसी तरह से गाड़ी एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार फिसल, और बार बार गोली मार दी जाती है। चित्रकूट के पास बुंदेलखंड में कैसे एक ब्राह्मण समाज के जो व्यापारी था उसको प्रताड़ित, इतना प्रताड़ित किया गया, बाद में उसको मरवा भी दिया गया, मार भी दिया गया, कहा गया उसने तो अपनी आत्महत्या कर ली। आज तक जिस, जब खुलासा हो गया कि इसको तो मारा गया था, मरवाया गया था, तो अभी तक पकड़ नहीं पाए। आईपीएस अधिकारी को ढूंढ रहे हैं अभी तक, यहां तो 24 घंटे में ढूंढ करके, और फर्जी लोगों को भी जो जिनका कोई मतलब ना हो उनको ढूंढ करके उनका एनकाउंटर हो जाता है, यहां साल भर होने को हो रहा है अभी तक नहीं ढूंढ पाए। तो क्यों? क्योंकि जो लोग उसमें लगे हुए थे वो सामंतवादी लोगों को बचाना था इनको, और जो समाज जिसका उत्पीड़न हो रहा है वो ब्राह्मण समाज का था। तो इसलिए आज हमको इसका, इनका असली चेहरा जो सामने आ रहा है वो दिख रहा है। ब्राह्मण समाज के लोग, इन्होंने सोचा इनको हम इतना भयभीत कर देंगे, इतना भयभीत कर देंगे, ये डर के दब के अपने घरों में दुबकी मार के बैठ जाएंगे, और उसके बाद हमको फिर हम श्री राम का नारा देंगे और ये हमको जो है वोट देने का काम कर देंगे। मैंने इसीलिए अयोध्या से अपना कार्यक्रम शुरू किया, मैं भगवान श्री राम के चरणों पर पले गया, बजरंग बली के दर्शन करके, और मैंने ये गोष्ठी जो शुरू की इसको वहीं से शुरू करने का काम किया। वो बात दूसरी है कि जब हम अयोध्या गए तो हमारे ऊपर 50 प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए और 50 लोगों ने रोकने का काम किया और ये कहने का काम किया कि आप अयोध्या में दर्शन करने क्यों आए, आप अयोध्या क्यों आए, अयोध्या। हमने पूछा क्यों हम नहीं आ सकते, बोले नहीं नहीं ये तो खाली वो लोग आ सकते हैं जिनको कि जिनके पास लाइसेंस है यहाँ का, आपके पास तो कुछ नहीं है लाइसेंस यहाँ का आने का, अब अयोध्या जाने का लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैं भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता हूँ, ब्राह्मण समाज में जन्मा हूँ, हम लोग सुबह ब्राह्मण समाज के जितने लोग हैं हम लोगों के जो संस्कारों में डाला गया है कि सुबह उठो, पहले स्नान करने के बाद ध्यान करने का काम करो और भगवान श्री राम के चरणों में हम लोग शीश नवा करके, भगवान शिव जी के चरणों में शीश नवा करके, बजरंग बली का पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके, माँ दुर्गा का पाठ करके, और तब घर से निकलते हैं बाहर। तो हमको ये रोक रहे हैं कि आप वहां क्यों जा रहे हो। तो इस तरह की इनकी सोच है कि क्योंकि वहां पर अयोध्या जब अगर हम नहीं जाते, जहां जाने नहीं देना चाहते थे, तो वहां के ब्राह्मण समाज के जो पुरोहित हैं, जो पंडित लोग हैं, उनसे मुलाकात नहीं होती, जो दर्द उन्होंने वहां का बयां किया है, अगर हम नाम लेने लगे वहां के लोगों को, ये सीधे उनके यहाँ हमलावर हो जाएंगे। हमारे जाने के बाद ऐसे ही वहां पर कई लोगों के ऊपर हमलावर हो गए कि आपने क्यों दर्शन करा दिए, आपने क्यों उनको यहाँ पर आने दिया। लेकिन उनका दर्द जो ब्राह्मण समाज के वहां के पंडित पुरोहित हैं
और उनकी जो पीड़ा है वो मैंने अपनी स्वयं की आंखों से देखी। किस हाल में वो लोग वहां पर रह रहे हैं, किस हालातों में उनको अपना गुजर करना पड़ रहा है, कितनी इन लोगों से जो आते हैं खाली 200 करोड़ रुपए एक दिन में खर्च करके चले जाते हैं अपने कार्यक्रम में। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, दिल्ली से किसी के आने वाले कार्यक्रम होता है तो 200 करोड़ रुपए एक दिन में उड़ा देते हैं। लेकिन अयोध्या में आप लोग जरूर जाइए और जाकर के देखिए तो वहां पर क्या डेवलपमेंट हुआ है। मैं तो पूरे अयोध्या में घूम के आया, मुझे तो कहीं नहीं दिखा जो ये कहते हैं मैंने 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया वहां पर अयोध्या को बनाने के लिए। क्या बनाया, कहां कहां खर्च कर दिया आपने, लाखों लाखों करोड़ों रुपए तो चंदे में उठा लिए अयोध्या के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पे। जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तब वहां पर जमीन मिली है ट्रस्ट को, और ट्रस्ट का जिस तरह से खुलासा मीडिया के लोगों ने किया कि किस तरीके से वहां का रुपया जो हजारों करोड़ रुपया इनके पास है किस तरीके से उसका दुरुपयोग हो रहा है वो भी सामने आ गया। एक एक रुपए का हिसाब आप लोगों को उनसे मांगना चाहिए, और इस प्रदेश का हर व्यक्ति मांगे, खाली ब्राह्मण समाज के लोग नहीं, हर व्यक्ति उनसे हिसाब मांगेगा कि आप ये हिसाब तो दीजिए कहां रुपया ले गए, क्या खाली ये रुपया आपने इकट्ठा किया था भारतीय जनता पार्टी के कोष में डालने के लिए, वहां के नेताओं को ऐश और आराम कराने के लिए, 5 सितारा होटलों में घुमाने के लिए, 100-100 हेलीकॉप्टर जो आपने तैयार किए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए उसके लिए, 500 आपने रथ बनाए हैं उत्तर प्रदेश के लिए अगले चुनाव के लिए उसके लिए, ये रुपया मंदिर के लिए दिया गया था, मंदिर की तो नींव भी नहीं पड़ पाई अभी तो जमीन के नीचे, कब नींव ऊपर आएगी ये भी किसी को नहीं मालूम। वो बात दूसरी, जैसे नींव ऊपर आएगी उसे फिर 500 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे दिखावे के लिए कि दिखाने के लिए आए, लेकिन मंदिर कब बनाओगे, हर बार तारीख बदल देते क्योंकि रुपए का इस्तेमाल कहीं और हो रहा है, मंशा है नहीं, नियत खराब है। भगवान श्री राम को इसी प्रकार रखे रहेंगे तभी तो चुनाव लड़ते रहेंगे उनके नाम पे। भगवान श्री राम हम लोगों के आराध्य, हम लोग उनको चुनाव की एक कोई वस्तु नहीं बना सकते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, और उनको जरा सी भी दिल में चोट नहीं लगती ऐसा करते समय, ये अफसोस की बात है। आप अगर प्रभु को भगवान को आप इलेक्शन में उतार देंगे तो इससे ज्यादा खराब बात नहीं। भगवान श्री राम ने तो राम राज्य स्थापित किया था, एक आदर्श राज्य स्थापित करने का काम किया था, क्या यही वो आदर्श राज्य था जो उन्होंने कल्पना की? कभी ऐसा आदर्श राज्य देखा हो जहां ब्राह्मणों को के कत्ल हो जाए, और गिनती के लिए ये लोग अभी इतने हुए, सिर्फ 40-40 ब्राह्मण अज्ञात नाम से जोड़ दिए गए कानपुर के कांड में, बिगरू कांड में, और उनको आज भी जेल के अंदर सड़ाया जा रहा है और उनको बंद किया जा रहा है, अभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि इनके ऊपर हम क्या चार्ज लगाएं। कितने लोगों को, अज्ञात लोगों को उस नाम से जोड़ करके उनको मारने का काम किया गया। 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, जो पहले खुशी तिवारी थी, खुशी दुबे को 2 दिन की पहले ब्याह हुआ था उसका, 29 जून को उसका शादी होती है, 30 जून को उसका पहला रात में शादी होती है, 30 जून को पहला दिन उसका होता है अपने घर में, और 2 तारीख को वारदात होती है और वो मुजरिम हो गई। आज साल भर से जेल के अंदर बंद है, पूरा प्रशासन शासन लग गया कि उसकी बेल न होने पाए, और क्यों, उसके लिए जितने भी षड्यंत्र करने हो कर लिए गए, चाहे वो जेल जो अधीक्षिका है वहां की, जहां 48 लड़कियां 2 कमरों में बंद है। हमारे मीडिया के साथियों को, देश के मीडिया के साथियों से मेरा आह्वान है कि जरूर वहां जाइए, एक बार आप लोग खोज करते हैं हर चीज की, ये तो खुलेआम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 2 कमरों में 48 लड़कियां बंद है, क्या इस तरह से लड़कियों के साथ में व्यवहार होगा कि 2 कमरों में तो भेड़ बकरियां भी भर दी जाए तो 48 नहीं आ पाएंगी, और वहां पर 4 जगह लगाया है उसके ऊपर जिससे बेल खारिज कराई,
ये कहते हुए कि उन 48 लड़कियों में से एक खुशी दुबे भी है, उसने 47 लड़कियों को धमकी दे रखी है कि अगर हमारी बेल हो गई और हम बाहर चले गए तो हम आप सब लोगों को उठवा लेंगे, आपको देख लेंगे। अब वो अंदर बंद है, उनको उठवाने का काम वो कर लेगी 16.5 साल की लड़की, और इसी को लेकर वो उसकी बेल खारिज हो गई है। एक महिला जो घर में काम करती थी, उसकी 6 साल की एक बच्ची, 3 साल का बच्चा लड़का, उसको उठा के आपने जेल में बंद कर दिया, लड़की और लड़का भी जेल में। अब इन सबका क्या दोष है? वो 6 साल की लड़की सोच रही होगी, अभी तो बोल भी नहीं सकती, 3 साल का बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं जान सकता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कि हम घर से जेल में आ गए। जब वो बड़ा होगा तो क्या होगा उसके साथ, क्या करेगा? वो बात दूसरी है, अगर वो बड़ा होता इस समय तो उसका भी शूट आउट हो चुका होता इस सरकार। ऐसी स्थिति में आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए हैं, सहमे हुए हैं इनके इन कार्यक्रमों से, सहमने का वक्त खत्म हो गया। मेरा आप लोगों से यह आह्वान है कि आप जो है बुद्धिजीवी कहलाते हैं, भगवान श्री राम जो है वो किसके अवतार के रूप में आए थे? भगवान श्री राम तो स्वयं विष्णु भगवान को थे, लेकिन भगवान श्री परशुराम कौन है? भगवान श्री परशुराम भी विष्णु के अवतार है। तो जब विष्णु के अवतार के वंशज हैं आप भगवान श्री राम के वंशज हैं, आप भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं, ये लोग तो ठेका लेने के लिए खाली आ गए। तो ऐसे में भगवान श्री परशुराम का ध्यान रखिए, और उनकी जब सोचेंगे तो आप करना दबना बंद कर देंगे, और आप उठ करके एक ब्राह्मण जो जिसका हो जैसा होना चाहिए उस तरह खड़े होंगे। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि प्रदेश के बारे में सोचें, घर में बैठ कर अकेले अपने बारे में नहीं सोच सकते। आपने जन्म लिया है ऐसे कुल में जहां की हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज के बारे में सोचें, हम सर्व समाज के बारे में सोचें, हम समता मूलक समाज बनाने के बारे में सोचें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के बारे में सोचें। और यही बहुजन समाज पार्टी का नारा भी है, और यही बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य भी है। भाईचारा बनाने का काम हम लोग जो कर रहे हैं, जो हमने 2005 में शुरू किया था, भाईचारा हमने बनाया था अपने दलित समाज के भाई बहनों के साथ, और दलित समाज के साथ में जब भाईचारा बनाया था तो हमने कहा था कि आप 13 से 16% के बीच में आते हो, 13 तो सरकारी आंकड़े कहते हैं, आप उससे ज्यादा हो, लेकिन 23% जो हमारे भाई बहन हैं दलित समाज के, उनके साथ में जब आप भाईचारा बनाएंगे तो आप 36% हो जाएंगे, और अकेले इतनी बड़ी ताकत हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की हर सीट पे आप भारी पड़ेंगे और आप चुनाव जीत सकते हैं। लोगों ने इकट्ठा होकर के अपनी ताकत को दिखाने का भी काम किया, एक साथ हुए, एकजुट हुए, और पूरे भारतवर्ष में आपने अपना नाम दिखा दिया कि आपने सोशल इंजीनियरिंग जिसका नाम दिया उन्होंने करा, और करके आपने ब्राह्मण समाज का नाम हर जगह लिया गया, इस सरकार बनवाने का काम किया। और फिर बहन मायादी जी ने भी जिन्होंने गणेश जी की प्रतिमा हाथ में लेकर के 9 जून 2005 को जब 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे शंखनाद करते हुए, तो उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा लेकर के माइक में कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उन्होंने भी ब्राह्मण समाज की तैयारी को देखते हुए बढ़ चढ़ करके ब्राह्मण समाज को टिकट देने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। और जब सरकार बनी, जब 45 लोग 80 में से ब्राह्मण समाज के चुन करके आए, तो उन्होंने फिर ब्राह्मण समाज को हर तरीके से, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी लोग हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हो, 15-15 लोगों को विधानसभा में विधान परिषद भेजने का काम किया। उन्होंने मंत्री एक दो नहीं,
अनेकों कैबिनेट मंत्री, 35 मंत्री के कैबिनेट रैंक का दर्जा देकर के उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया। उन्होंने 2500 को सरकारी वकील जिला के अदालतों में ब्राह्मण समाज के बनाया। सैकड़ों की संख्या में इलाहाबाद और लखनऊ उच्च न्यायालय में उन्होंने ब्राह्मण समाज के वकीलों को बनाया, महाधिवक्ता बनाया, चीफ सेक्रेटरी बनाया, DGP बनाया, उन्होंने एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया, और उन्होंने इतने ही नहीं जो लॉ सेक्रेटरी था उसको भी ब्राह्मण समाज का बनाया। और जिले जिले में हर जगह जहां पर भी ब्राह्मण समाज की भागीदारी हो सकती थी, अन्य समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी बढ़ चढ़ करके भागीदारी देने का काम किया। आज की तरह नहीं कि ब्राह्मण समाज में जो उनके MLA है भारतीय जनता पार्टी में वो सबसे ज्यादा दुखी है, अगर है तो वही MLA लोग हैं। जो 2-3 मंत्री बना के रखे भी हैं उन्होंने गुलदस्ते के तरीके से, उनको कोई काम नहीं दिया गया, वो अपने विभाग का काम नहीं कर सकते। आप उनसे मिले होंगे, सब लोग जानते हैं कि वो अपना खुद का काम भी नहीं कर सकते। व्यक्तिगत काम हो तो भी मुख्यमंत्री से जाके उनको आज्ञा लेनी पड़ती है और वहीं पर रोक दिया जाता है कि ब्राह्मण मंत्री है, इसका काम नहीं होना चाहिए। इस हालात में वो लोग गुजर रहे हैं। उनमें से कितने ब्राह्मण समाज के MLA हैं जो मौका ढूंढ रहे हैं, दुखी हैं, नाम नहीं ले सकते हम कि कौन कौन लोग हमसे बात कर चुके हैं, लेकिन कितनी व्यथा है उनके अंदर कि वो पहला मौका पाते ही इनको तिलांजलि देना चाहते हैं। और अपने समाज के लिए उनको भी अंदर से पीड़ा है जिस तरीके से हम लोग परेशान हैं, पर वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार हैं। इनके सामने हम लाचार हो गए, तो ऐसे में हमारा ब्राह्मण समाज के पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षकों का आपने हाल देखा कि शिक्षकों को उन्होंने जो इस प्रदेश के शिक्षक थे जो शिक्षा देने का काम करते थे, अगर उनके साथ में किस तरीके से दुर्व्यवहार करते थे, उनको नौकरियों से बाहर कर दिया, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको नौकरी नहीं देंगे, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, स्कूल बंद करवा रहे हैं, मान्यता प्राप्त जो शिक्षक है कॉलेज है उनमें टीचर अपॉइंट नहीं कर रहे, और जो प्राइवेट शिक्षा संस्थान चल रही थी उस पे उन्होंने जो मानदेय था शिक्षकों का वो भी बंद कर दिया इस सरकार ने। और जब आंदोलन हुआ कि मानदेय तो कुछ भी नहीं मिलता था, 1000 रुपया मिलता था, उसको बढ़ाने के लिए पहुंचे तो 2 काम उन्होंने किए, ऐसे शिक्षकों को लाठियों से पीटा, महिलाएं भी थी उसमें, और जो मिल रहा था 1000 रुपया उन्होंने वो भी वापस लेने का काम कर। पूरा प्रदेश का शिक्षक जो है 20 लाख से ज्यादा है लोग इससे, और उनका परिवार जोड़ेंगे तो 1 करोड़ के ऊपर लोग इससे, इसकी वजह से आज सड़कों पर हैं, परेशान हैं। संस्कृत ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहती है हमको हर चीज जो है धर्म के नाम पे करते हैं। अरे इनकी असलियत जब लोगों को मालूम होगी तो पता लगेगा कि कहने की बात दूसरी है, चेहरा कुछ और है, और चेहरे के ऊपर मुखौटा कुछ और लगा हुआ है। संस्कृत विद्यालय उत्तर प्रदेश के 1400 से ऊपर संस्कृत विद्यालय है जो कि चल रहे थे, लेकिन उनके शिक्षकों की नियुक्ति बंद कर दी, उनको पैसा देना बंद कर दिया, 500 से ज्यादा ऐसे विद्यालय बंद हो गए। महाविद्यालय संस्कृत के जो चल रहे थे 500 के ऊपर, उसमें से आधे से ज्यादा बंद हो गए। प्रयागराज में ही 42 महाविद्यालय थे, उसमें से 19 बंद हो गए, जहां आपके शरीर का प्रयागराज की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नियत यह है कि वहां पर हम जब टीचर की नियुक्ति नहीं करेंगे, कितनी दूर की प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे खत्म किया जाए इसको, कैसे सनातन धर्म को खत्म करें, सनातन धर्म को उखाड़ के फेंका कैसे जाए, इसकी नियत जो है इनकी बहुत गूढ़ सोच होती है, बैठ के बहुत गंभीरता से प्लानिंग करते हैं। इसमें भी बहुत गंभीरता से प्लानिंग की इन्होंने, और प्लानिंग ये करी इन्होंने कि हम यहाँ पर जो कॉलेज है इसमें हम नियुक्ति बंद कर देंगे, जो टीचर रिटायर हो गए उसको संस्कृत के उनको नहीं भरेंगे। आधे कॉलेज ऐसे हैं जिसमें एक टीचर खाली रह गया है,
जब एक संस्कृत महाविद्यालय में टीचर रह जाएगा, चपरासियों से कहते हैं, ग्लग से कहते हैं कि तुम क्लास में बैठ जाओ, तो वहां पर स्टूडेंट कहां से आएगा, विद्यार्थी कहां से आएगा? जब विद्यार्थी नहीं होगा तो इन्होंने अगला कदम उठाया, पहले बंद करा नियुक्ति, पहले बंद करा टीचरों को भेजना, फिर कह दिया ये तो अब यहां विद्यार्थी नहीं। अभी जो आदेश जारी किया इन्होंने, अभी हाल में आदेश जारी किया इन्होंने, कहा कि अब ये अगर 50 विद्यालय है तो इसको 30 में कर दो और 30 को बंद कर दो, क्योंकि यहां विद्यार्थी नहीं। विद्यार्थी कहां से होगा जब पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं होगा? और इस तरीके से उन्होंने, जहां पर संस्कृत में आप भी जानते हैं चारों वेदों में से 1100 से ज्यादा अलग तरीके के उसमें से पाठ पढ़ाए जाते हैं, तो उन विद्याओं को लुप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका बनाया और कहा कि मॉडर्न पढ़ाई में जो विद्याएं होती है, कंप्यूटर सीखो, ये सीखो, वो सीखो, संस्कृत को ही, इस देश की संस्कृत जो है वो संस्कृत पाठशालाओं से चल रही थी, उसको बंद करने के लिए, जिससे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं संस्कृत के उनको कोई नौकरी ना मिल सके। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई संस्कृत पढ़ने नहीं जाएगा, कोई पाठशाला में नहीं जाएगा, कोई ज्योतिष का पढ़ाई करना है, पंडिताई की करना है और विद्याओं की करना है, उसमें तो 1100 से ज्यादा विद्याएं हैं, वो बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे तो अपने आप ये पुजारी और ये पाठ और ये सब जो है ये भी बंद हो जाएंगे, आगे चल के ये सब के सब समाप्त हो जाएंगे। इतनी बड़ी योजना है कि इस प्रदेश से ये क्या, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सोच रही है ये सोच के बाहर है, लेकिन जब समझने की कोशिश करिए अंदर जाके तब इनकी सोच समझ में आती है कि ये तो सनातन धर्म को ही खत्म कर देना चाहते हैं, उसको ही समूल खत्म कर देना चाहते हैं और खाली कुछ मठ में उसको सीमित कर देना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो चलाना चाहे वो चलाएं। जितने मंदिर हैं अच्छे, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उनका अधिग्रहण करा जा रहा है, अधिग्रहण कानून बना करके उनको अधिग्रहण कर लेने की योजना बन रही है कि जहां पर लोग जाते हैं माथा टेकने उसको सरकारी कर दो, जब सरकारी कर दोगे तो लोग अपने आप आना बंद कर देंगे। इस तरीके से ये भी जो है तरीका निकाल करके इस देश से, यहां से धर्म का बिल्कुल नामी निशान खत्म कर दो, बस खाली वोट धर्म के नाम लो, लेकिन सोच ऐसी है जो बहुत ही अधर्मी सोच है इनकी और धर्म के खिलाफ की सोच है, और इसको हम लोगों को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और समझ करके लोगों को भी बताने की जरूरत है। इसलिए भाइयों मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार फिर से आपने जिस तरीके से 2007 में भाईचारा बना करके और आपने सरकार को खाड़ फेंकने का काम किया था, आज जिस तरह से किसान दुखी है, विद्यार्थी दुखी है, जो पढ़े लिखे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है वो दुखी हैं, जो पीएचडी करके हाथ पे लेके घूम रहे हैं उनको आत्महत्या करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उनसे ये कहते हैं पकौड़ा बेचो, और जब पकौड़ा बेचना कुछ लोगों ने शुरू किया उन पढ़े लिखे लोगों ने, तो कहा कि आपके पकौड़ा भी नहीं आपके बिक रहे, क्योंकि आपने तेल और घी इतना महंगा कर दिया है, हर चीज की महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि उतने में वो बिकने वाला नहीं है, तो हर तरीके से आप मार रहे हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी वर्ग आदमी हो, जितने कारखाने हैं वो एक एक करके सब बंद हो रहे हैं, जब कारखाने बंद होते हैं तो मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, और इस तरह का जो एक माहौल बना रखा है इन्होंने और इस प्रदेश को ऐसे स्थान पर पहुंचाने का काम कर दिया है, जो समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी चलती थी, दहशतगर्दी चलती थी, समाजवादी पार्टी में किस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होता था वो किसी से नहीं छुपा है, किस तरह से कन्नौज में जो मैगजीन में और अखबारों में फोटोएं छपी थी उस समय सबने देखी थी, किस तरह से नीरज मिश्रा का सर कटवा करके और लखनऊ मंगवाया गया था वो भी सबको कोई नहीं भूल सकता, समाजवादी पार्टी के दौरान जब हुआ था, जिसकी वजह से ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ था और इनको उखाड़ के फेंकने का काम किया था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी में जिस तरह से दहशत थी, गुंडागर्दी थी,
ठीक उसी प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में कुछ चुने हुए लोगों के अपना आशीर्वाद दे करके और ये लोग सरकार के लोग इसी तरह की दहशत फैला करके आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए इकट्ठा होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, भाईचारा बनाने की जरूरत है। समता मूलक समाज की जो संरचना बहन मायावती जी ने और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में जिसको किया है, जिसको कि हमारी पार्टी और बहन मायावती जी आगे ले जाकर के मानवर काशीराम जी के सपनों को पूरा करने के लिए समता मूलक समाज बनाने का कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर के आगे चलने की जरूरत है। और उसमें आपके आपके कंधों की, आपके हाथों की, आपके साथ की और आपकी बुद्धि का प्रयोग जरूर करने की जरूरत है, क्योंकि आप बुद्धिमान होते हैं, ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी कहलाता है। इसलिए अपनी बुद्धि को फिर से जागृत करिए। और अगर उसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने उसको गिरवी कर दिया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य हो, तो अपनी उस गिरवी को वापस लेकर के आइए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने लिए करिए। अगर जंग लग गया है तो उस जंग को साफ करिए और साफ करके दोबारा से इस्तेमाल करिए। और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप 3 करोड़ के ऊपर हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, 13% अगर गिन लें तो भी 3 करोड़ के ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग 25 करोड़ में उत्तर प्रदेश में है। और इतनी बड़ी संख्या होने के बाद में किसी सामंतवादी से डरने की जरूरत आपको नहीं है, आपको एकजुटता दिखाने की जरूरत है। और एकजुटता दिखाएंगे तो आपके साथ में सभी लोग जुड़ जाएंगे। आपने देखा किस तरीके से जब बहन मायावती जी की सरकार थी तो एक भी दंगा, एक भी फसाद नहीं होता था, सारे कौमें एक साथ चलती थी, कोई आपस में टकराव नहीं, कोई आपस में बिखाव नहीं, सब लोग इकट्ठा होकर चलते थे। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार होती है तो ये धर्म के नाम पे, कौमों के नाम पे, जात के नाम पे सबको लड़वाने का काम शुरू कर देते हैं, और सिर्फ अपना सत्ता बनाए रखने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपनी पूरी ताकत दिखा करके और अपनी बात एक साथ होकर के, एकजुट होकर के इस आतंक को खत्म करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ में मिल करके, हमारे साथ में मिल करके बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करिए। और अब की बात, हम लोगों को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश में दोबारा खुशहाली ला सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परिश्रम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।